हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मेरे पास आपके लिए है क्लास नाइन्थ से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। और आप देख रहे हैं एक हेडिंग जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो बस अगली एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा सा वार्म अप आपके लिए आज लेके आ गया हूं। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारी जो आज की हेडिंग है वो क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले इसके नाम को समझ लो, इसके काम को अपने आप समझ जाओगे। रिमाइंडर, रिमाइंडर किस प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा था रिमाइंडर? रिमाइंडर हमने पढ़ा था जब भी हम कोई नंबर्स को डिवाइड कर देते। अभी पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिया 15 और 15 को मैंने 4 से डिवाइड किया, यानी 15 डिवाइडेड बाय 4। अभी समझो, अभी बहुत बेसिक लेवल पे जाके समझो, फिर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जब मैं 4 को पहाड़ा पढ़ता था, यानी टेबल पढ़ता था, 4 को डिवाइड करने को, 15 को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा था 4 से, तो 4 का पहाड़ा पढ़ा, 4 टू 8, 4 3 सर फिर 3 12, 4 3 जा आया 12, 4 4 जा 16 होता है, 15 से बड़ा हो जाता है, एक नंबर छोटा लेते हैं, माइनस करते हैं तो कितना बच गया। और ये जो बचता था ना, ये जो बच जाता था वो हमेशा 4 से छोटा होगा, 4 के बराबर भी नहीं होगा। अगर 4 के बराबर बचता तो फिर रिमाइंडर 0 होता। अभी समझो, तो 4 से छोटा बचेगा तो क्या बचा? 3। और इसी को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते थे? रिमाइंडर। यानी पॉलिनोमियल में भी कुछ रिमाइंडर करके कुछ आएगा, यानी पॉलिनोमियल का डिवीजन करने वाले हैं। यानी हेडिंग तुम्हारी रिमाइंडर थ्योरम तो है, लेकिन हम आज करने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बच्चों ने बोला था सर इसका वीडियो बना दो, बना देते। अरे भाई कल बनाया भी था, सही बताऊं तो कल वीडियो बनाया भी था, लेकिन कुछ साउंड में इश्यूज आ गए थे, इसलिए मैंने कम्युनिटी में इसको पोस्ट भी किया था। तो रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर क्या होता है? जो बच जाता है डिवाइड करने के बाद, उसके बाद फर्दर डिविजिबल या डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। और अगर इसकी बात करें तो इसका भी एक नाम दिया हुआ है। इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं डिविडेंट। क्या बोलते हैं? डिविडेंट। और जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जो ऊपर आता है उसको बोलते हैं क्वेश्चेंट। क्या बोलते हैं? क्वेश्चेंट। इसका मतलब यह है कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा? दो रियल नंबर्स का डिवीजन किया। जब दो रियल नंबर्स का डिवीजन किया तो जिससे डिवाइड कर रहे थे, जिसको डिवाइड कर रहे थे, उसका नाम क्या था? डिविडेंट। जिससे डिवाइड किया जा रहा था उसको बोल रहे थे डिवाइजर। जितनी बार पहाड़ा पड़ा था उसको बोल रहे थे क्वेश्चन, और जो बच गया पहाड़ा पड़ने के बाद उसको बोला रिमाइंडर। और रिमाइंडर थ्योरम यह कहती है कि डिविडेंट डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? अरे भाई ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। करके देख लो, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, 15 किसके बराबर है? डिविडेंड के बराबर है या नहीं है? इसका मतलब 15 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3, 4 3 जा 12 प्लस 3 15। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर हम इसको कोशिश करेंगे, यानी 15 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हम इस तरह से पूरी एक इक्वेशन, या हम बोले एक थ्योरम बना सकते हैं। और इसी थ्योरम को क्या बोला गया है? रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम इज नथिंग बट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब ये तो हो गई रियल नंबर्स की बात, क्या ये थ्योरम एप्लीकेबल है पॉलिनोमियल्स के लिए? क्या ये थ्योरम एप्लीकेबल है पॉलिनोमियल्स के लिए? यही हमें चेक करना है। बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये थ्योरम भी एप्लीकेबल है पॉलिनोमियल्स के लिए। यानी अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है पीएक्स, कोई पॉलिनोमियल है पीएक्स, उसको डिवाइड किया किसी क्वेश्चन डिवाइजर से जी एक्स, कोई क्वेश्चन आया क्यू एक्स, और जो बचा रिमाइंडर आर एक्स, अगर देखा जाए तो हम क्या कहेंगे कि पॉलिनोमियल पी एक्स विल बी इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब ये रिमाइंडर जो हो सकता है वो एक प्रकार से, अगर मैं कहूं, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है
और एक पॉलिनोमियल भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर कांस्टेंट और पॉलिनोमियल क्या डिफरेंस है, भाई कुछ नहीं, जीरो पॉलिनोमियल भी कांस्टेंट होता है। देखो ना, थ्री इज द जीरो पॉलिनोमियल जिसमें एक्स की पावर कितनी है, जीरो, तो ये जीरो मतलब कांस्टेंट बचेगा या फिर कोई पॉलिनोमियल बच सकता है, यानी रिमाइंडर थ्री एक्स भी बच सकता है, रिमाइंडर तो बचेगा, बचेगा मतलब जो डिवाइड नहीं हो सका या फिर जो चीज की जो चीज एक्स्ट्रा हमारे पास आ गई, रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा हमारे पास है अगर वो ना होता तो रिमाइंडर जीरो होता, और रिमाइंडर अगर जीरो होता तो क्या होता वो भी बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कहां करूं, चलो यहां करता हूं, यहां करता हूं, रुक जा मेरा डस्टर कहां है, डस्टर बोरा वो देना, अभी देखो मजा आ जाएगा तुमको, मजा बिल्कुल गारंटी मजा आ जाएगा, वो वाला कपड़ा देना, बहुत बढ़िया। देखो अभी तुमको बहुत क्लियरिटी समझ में आएगी, बहुत क्लियरली। देखो अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं डिवाइड करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिवाइड करता हूं 12 को 3 से, फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, जब 3 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 4 जा 12, बचा कितना हलवा, जीरो, कितना बचा रिमाइंडर, कितना बचा जीरो। जब रिमाइंडर जीरो बचा इसका मतलब पता है क्या है, 3 इज completely divisible by 12, या मैं कहूं 3 is the factor of 12, चलेगा 3 is the factor of 12। ऐसे ही अगर यहां पर Rx की वैल्यू जीरो होती है तो क्या आप Gx और Px का कोई रिलेशन बता सकते हैं? हां बता सकते हैं, जब Rx की वैल्यू जीरो होगी, क्वेश्चन तो हमारे पास आता ही है 4, तो 3 क्या था, फैक्टर था 12 का, ऐसे ही Gx विल बी द फैक्टर ऑफ Px, देयरफॉर Gx विल बी द फैक्टर ऑफ Px। और जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसी खूबसूरत रिमाइंडर थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्या समझ में आया एक बार समझा दूं, जब हम डिवाइड करते तो रिमाइंडर बचता था, और इस रिमाइंडर को हम एक इक्वेशन में लेके आए, क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और इसी रिमाइंडर जब ये हमने इक्वेशन लिखी इसी को बोल दिया रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन अगर रिमाइंडर जीरो आता था तो वो क्वेश्चन जिससे डिवाइड किया जाता था डिविडेंड का क्या बनता था, वो फैक्टर बनता था, यानी डिवाइजर विल बी द फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। क्लियर समझ में आया मिटा दूं। अब एग्जांपल से मैं डिवाइड करके बताऊंगा और फिर आपको बहुत अच्छे समझ, यही है रिमाइंडर थ्योरम यही है। अब हम डिवीजन करेंगे पॉलिनोमियल का, बहुत बढ़िया, किताबों में बहुत कंफ्यूज करके दिया हुआ है, वैसे अच्छा दिया, हम भी किताबों से सीखे हैं, ऐसा नहीं है कि किताबें खराब होती हैं, ऐसे नहीं है कि हम ही सही हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्या होता है इजी वे में समझना जरूरी है। बहुत बढ़िया अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप ही किताब का एग्जांपल लेता हूं, जैसे 3x की पावर 4 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1। अब क्या हो रहा है, अब बिल्कुल बहुत अच्छे से समझेंगे क्या हो रहा है, और पूरा मेथड पूरा एक बार में समझ में आ जाएगा। माइनस ऑफ 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1 को डिवाइड किया गया, और चेक करो कि क्या रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर जीरो आएगा, रिमाइंडर कुछ और आएगा, जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो चेक करो। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है कि इसको क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर करेंगे, किसके बराबर होगा, पॉलिनोमियल में भी यही होता है। अब डिवाइड कैसे करते हैं, तो आप एक रफ कॉलम बना लो अपनी कॉपी में, एक रफ कॉलम बना लो, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, और मैं यहां पूरी स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, पूरी स्टेप बाय स्टेप यहां लिख दूंगा, सबको दिखेगा, मैं एक मिनट देख लूं अपने कैमरे में, सबको दिखेगा, बहुत बढ़िया दिखेगा सर, मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या करना है वो सुनो, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल पीएक्स, ये पीएक्स की जगह है, ये पीएक्स की जगह है, ये जीएक्स की जगह है, ये क्यूएक्स आएगा और आरएक्स कुछ रिमाइंडर बचेगा, आपको तो पता ही है रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम इज इक्वल टू पीएक्स इक्वल टू जीएक्स इंटू क्यूएक्स प्लस आरएक्स। आरएक्स में हमारे सब पॉलिनोमियल में चल रहा है, इसलिए हम पॉलिनोमियल में खेल रहे हैं कि पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू जीएक्स इज द डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर। अब देखो क्या है, आपको सबसे पहली स्टेप ये करनी है, जब भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए
एक और चीज का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक्चुअल में लोग कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम ये है, अब वो रिमाइंडर थ्योरम में जब हम वैल्यू पुट कर, अभी देखो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो जब भी हमें कोई डिवाइड करना है, किसी चीज का डिवीजन करना है फॉर फॉर फाइंडिंग आउट द रिमाइंडर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पॉलिनोमियल है और एक डिवाइजर है। तो अरेंज अरेंज द डिवाइजर डिवाइजर एंड पॉलिनोमियल, अरेंज द डिवाइजर एंड द पॉलिनोमियल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर या एक्सपोनेंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना, देखो x की पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 0 है। देखो x की पावर 0 है, ठीक है, यहां पर देखो x की पावर 1 है और यहां x की पावर 0 है, यानी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले तो पावर में अरेंज कर दो किसी भी पॉलिनोमियल को, उस वेरिएबल की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो अरेंज द डिवाइजर एंड द पॉलिनोमियल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल। सबसे पहले यही करना कि आप कोई भी वेरिएबल जो आपके सामने इस क्वेश्चन के अंदर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। कभी कभी क्या है, अरेंज नहीं हुआ देते हैं और आपसे बोल देते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर निकाल दो। अभी मैं इसके है ना निष्कर्ष पर निकलूंगा, जब डिवाइड कर दूंगा ना उसके बाद निष्कर्ष बताऊंगा कि जब भी हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं फॉर अप्लाइंग आफ्टर अप्लाइंग द रिमाइंडर थ्योरम। अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा इसके बाद क्या करना है। इसके बाद जो पहली स्टेप तुम्हारी रहेगी डिवीजन में वो ये रहेगी कि पहली टर्म उठाओ डिवाइजर की, तो टेक द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंट एंड डिवाइडेड बाई किससे, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। फर्स्ट टर्म मतलब वही हाईएस्ट पावर वाला, सो डिवाइड इट बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। डिविडेंट की पहली टर्म को डिवाइड करना है डिवाइजर की पहली टर्म से, यानी 3x की पावर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x। जब डिवाइड कर दिया जाएगा तो आपको मिलेगा 3x की पावर 3, क्या मिलेगा 3x की पावर 3, समझ में आ रहा है। तो जो भी आपको मिला, जो रिजल्ट आपको मिला, उसको आपको लिखना है क्वेश्चन के प्लेस पे 3x की पावर 3। नाउ द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय बोथ द टर्म्स ऑफ द डिवाइजर, देखो, एंड रिजल्ट इज नाउ मल्टीप्लाइड बाय ऑल टर्म्स ऑफ दी डिवाइजर। डिवाइजर की सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना, तो फर्स्ट टर्म से और सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करना बस, और फिर उसको लिख देना नीचे। देखो 3x की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई x, तो क्या मिला 3x की पावर 4 विद द सेम साइन ऑफ दैट टर्म, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3x इंटू x की पावर 3 इंटू 1 x की पावर 3, दोनों टर्म से डिवाइड कर दिया। अब आपकी स्टेप हो गई कंप्लीट और आपको क्या करना है, नाउ चेंज द साइन। नाउ यहां लिख देता हूं यार, थोड़ा सा डाउट होता है मुझे, अब दिखेगा नहीं ज्यादा नीचे जाऊंगा, तो यहां लिख देता हूं देखो, ठीक है। नाउ चेंज द साइन ऑफ द रिजल्ट, चेंज द साइन ऑफ द रिजल्ट, मतलब प्लस बिकम माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस। तो अभी यहां क्या था, प्लस था, इसके सामने प्लस है, तो ये कर दिया माइनस, माइनस है तो कर दो प्लस। अब ओरिजिनल साइन जो है वो ये नहीं है, प्लस नहीं है, अब क्या है माइनस, माइनस नहीं है, अब क्या है प्लस, तो माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो गया। अब प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो एक्स क्यूब बचेगा। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन क्या है माइनस, और बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म्स यू हैव टू जस्ट ऐसे के ऐसे ही उतार देना, माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1, क्लियर। अरे x की पावर 0 नहीं लिख रहा हूं यार, x की पावर 0 नहीं लिख रहा। नाउ अगर ऐसी चीजें हो जाती है इसके बाद, ये सारे 1 2 3 4 पॉइंट्स हो जाते हैं, स्टेप्स कंप्लीट हो जाती है, रिपीट द स्टेप नंबर 1,
नहीं अरेंज नहीं करना, अब यहां से करना है। स्टेप नंबर टू से वापस रिपीट करना चालू कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो इससे। फर्स्ट टर्म उठाओ, माइनस ऑफ एक्स की पावर 3, डिवाइड कर दो एक्स से, क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स की पावर 2, माइनस ऑफ एक्स की पावर 2, माइनस ऑफ एक्स की पावर 2, सो माइनस ऑफ एक्स की पावर 2 आ गया। अब माइनस ऑफ एक्स की पावर 2 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस प्लस माइनस, एक्स की पावर 2 इंटू एक्स, एक्स की पावर 3, माइनस माइनस प्लस, एक्स की पावर 2 तो है, हाँ चलो ठीक है देखते हैं, एक्स की पावर 2, तो ये तो एक्स की पावर 2 आ गया माइनस माइनस प्लस का। अब फिर से साइन चेंज कर दो, अभी देखो यहाँ खूबसूरती होगी। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, नहीं गड़बड़ी नहीं करनी है, देखो प्लस और ये हो गया माइनस, साइन चेंज कर दिया तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। बेटा इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं माइनस ऑफ एक्स की पावर 2, और इसको लिख देते हैं माइनस ऑफ 3x और माइनस ऑफ 1, समझ में आ गया, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब कुछ मत करो, आंख बंद करो, कुछ मत करो, आंख बंद करो, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर, मैं एक बार और चेक कर ले रहा हूं कि एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, 3x माइनस 1, हाँ तो 2 नहीं था ना इसलिए, ठीक है कोई बात नहीं, अब 2 आ गया है। अब क्या करना है, अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस, हमने वैसे का वैसे उतार दिया, इसको ऐसे उतार दिया, इसको ऐसे क्यों उतारो, अब सेम प्रोसेस को रिपीट कर दो, माइनस ऑफ एक्स की पावर 2 को डिवाइड कर दो किससे, एक्स से, तो जब मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा, माइनस ऑफ एक्स, अब माइनस ऑफ एक्स का अगेन मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, एक्स वन जा एक्स, खूबसूरत क्या कर दिया, माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस, कैंसिल, क्या बचा माइनस माइनस प्लस, क्या बचा माइनस ऑफ 4x माइनस 1। अब मेरे प्यारे बच्चों करना है तो डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर दें, कर दें इसको डिवाइड, इससे भी कर दें सेम, तो माइनस ऑफ 4x व्हेन डिवाइडेड बाय x, लास्ट टर्म अभी है, पॉसिबल है भाई, देखो ना, तो कितना हो गया x से x कैंसिल, कितना बचा माइनस ऑफ 4, और माइनस ऑफ 4 से अब आपको करना है दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, 4 इंटू एक्स, 4x, दिख रहा है, दिख रहा है लास्ट में, दिख रहा है बहुत बढ़िया, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ा सा बस बचा है, बस लास्ट लास्ट, माइनस ऑफ 4x माइनस माइनस प्लस, 4 वन जा 4, बस एंड है, देखो साइन चेंज, माइनस बिकम प्लस, माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस, तो ये कैंसिल, अब बचा माइनस 1 माइनस 4, कितना आएगा माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 5, और मेरे प्यारे बच्चों आगे अब तुम डिवाइड करोगे ना इसको तो पॉसिबल नहीं है, अब पावर हो गई है 0 और पावर हो गई 1, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, हलवा बलेगा, मतलब ये जो तुमको मिला है ये है qx, ये जो था वो था gx, ये जो था वो था ओरिजिनल px, और ये जो मिला है वो है rx, जो कि कॉन्स्टेंट के रूप में हमारे सामने आया है। अब बस तुम्हें क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम में रखना है, वो रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, क्वेश्चन सॉरी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, क्लियर क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, क्या हुआ, मैंने बहुत स्टेप में बिल्कुल पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको कर लिया है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कर देना, वीडियो लंबा नहीं करूंगा। अब क्या है, अब सीन क्या है, अब सीन क्या है, सीन क्या है, इतना लिख लिया है, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, अब सीन क्या है, अब करना क्या है, अब चेक करना है, अब रिमाइंडर थ्योरम का खेल आएगा कि हमने जब x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर कितना मिला, माइनस 5, यानी अगर मैं बात करूं कि ये 0 है, अगर ये 0 है तो अगर इस 0 की वैल्यू इसमें पुट करूंगा, इस 0 की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मिलेगी, माइनस 5, इसका मतलब कंसिडर्ड एक्स माइनस 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इट मींस इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 1 से हो जाएगी माइनस 1, माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 सॉरी प्लस 1 से नहीं माइनस 1 से इधर जाएगा तो प्लस 1, यानी x इक्वल टू 1 जो 0 है उसमें अगर मैं पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू पुट करता हूं तो जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आएगी वो कितनी आएगी, माइनस 5 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग डिविजन, माइनस 5 आ रहा है, क्या उस कंडीशन से आ रहा है, चलो चेक करके देखते हैं, तो एक्स की पावर 3 सॉरी एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ 4x की पावर 3 माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1, पुट x इक्वल टू 1, आना क्या चाहिए, माइनस 5, अगर नहीं आया तो गलत किया, या तो यहां गलत किया या तो यहां गलत किया, और अगर दोनों तरफ बराबर आ रहा है
तो पुनेश सर एग्जैक्टली करेक्ट है। इसका मतलब यह है कि हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं व्हेन डिवाइड व्हेन एनी पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। ये खूबसूरती है, लीनियर पॉलिनोमियल के थ्रू जब हम डिवाइड करते हैं तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं, लीनियर ओनली लीनियर। क्वाड्रेटिक होगा तो नहीं निकाल पाओगे। चलो देखते हैं, करें तो थ्री आंख बंद करके भगवान का नाम लो और करके देखते हैं। माइनस फोर इंटू वन की पावर थ्री माइनस थ्री इंटू वन माइनस वन। पावर फोर हो गया तो थ्री आ गया, पावर वन थ्री हो गया तो फोर आ गया, माइनस थ्री आ गया माइनस वन आ गया। भाई थ्री प्लस का थ्री माइनस का कैंसिल, माइनस फोर माइनस वन कितना होगा माइनस फाइव। सर एब्सोल्युटली करेक्ट और आ गया मजा। इसका मतलब यह हुआ जब मैंने एक्स माइनस वन को जीरो माना तो मुझे जो मिला वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल वो कुछ नहीं मिला, वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं थी, वो एक्चुअली में मेरे को मिला था रिमाइंडर। क्या मिला था? रिमाइंडर। तो मेरी जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आती है वो क्या आती है? वो एक्चुअली में क्या आती है? रिमाइंडर। इसका मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल? नो। देयरफॉर नो, x माइनस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x की पावर फोर माइनस फोर एक्स की पावर थ्री माइनस ऑफ थ्री एक्स माइनस ऑफ वन। इट इज नॉट द पॉलिनोमियल, इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर किसी का वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितना आता है? जीरो, तो क्या होगा? तो बस रिमाइंडर अगर जीरो है तो फैक्टर है, रिमाइंडर निकाल रहा हूं। मतलब रिमाइंडर थ्योरम से एक्चुअली मैं सिर्फ वैल्यू पुट करके रिमाइंडर निकाल सकता हूं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आपको लेक्चर पसंद आया? आया तो कमेंट कर दो, नहीं आया तो भी कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं होप करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद। एक मिनट, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।